उदयपुर में गणतंत्र दिवस भव्यता से मनाया जा रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली है। झीलों की नगरी उदयपुर में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। कटारिया ने जनता को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश और देश के खुशहाली की कामना भी की। जिला कलेक्टर का विशेष प्रयास रहा और सभी लोगों ने भी सहयोग किया और मैं सोचता हूँ कि जितनी भव्यता इसे देंगे उतना ही बच्चों में संस्कार भी बनेगा और देश की आजादी के प्रति सोचने के लिए आदमी को कुछ क्षण मिलेंगे। इस आयोजन में पत्रकार अविनाश जगनावत, अनिल जैन और दो स्वतंत्रता सेनानी समेत 36 लोगों को उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर पहली बार सेना के युद्ध कौशल का प्रदर्शन देख लोग रोमांचित हुए। पहली बार शहर के रास्तों पर कई विभागों की झांकियां भी निकली। हिसाब से लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि सरकार क्या कर रही है और उनको राज्य के प्रति और देश के प्रति क्या करना है। इस समय कैमरामैन अरविंद त्रिजी के साथ हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।